धमतरी जिले में शुचिता योजना का बुरा हाल है। जिले के आधे से अधिक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 2 साल बाद भी सैनिटरी नेपकिन मशीन नहीं लगाई जा सकी, जबकि इस योजना के तहत सभी सरकारी मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में ये मशीन अनिवार्य रूप से लगाई जानी है। शुचिता योजना के तहत जिले के सभी हायर व हाई सेकेंडरी और कॉलेजों में सैनिटरी नेपकिन मशीन लगाई जानी है, लेकिन इस पर अब तक कोई खास पहल नहीं हो पाई है। पिछले 2 सालों में जिले के 80 स्कूलों में ये मशीन लग पाई है। जिम्मेदारों ने मशीन की उपलब्धता को लेकर स्कूलों का सर्वे कर शासन को भेजे जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं स्कूल कॉलेजों में ये मशीन नहीं होने के कारण छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माह में कुछ दिनों वो केवल इसी परेशानी की वजह से स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही है। जिले में 448 मिडिल, 52 हाई और 107 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल है। इसके अलावा 8 सरकारी कॉलेज हैं। मिडिल से हायर सेकेंडरी स्कूल तक छात्राओं की दर्ज संख्या 35,000 है, जबकि कॉलेजों में छात्राओं की संख्या लगभग 5,000 है। पिछले 2 वर्षों में 80 सरकारी स्कूलों में ही सैनिटरी नेपकिन मशीन लगाई गई है और अन्य स्कूलों में ये मशीन लगना बाकी है। दरअसल 2 साल पहले जब शुचिता योजना शुरू की गई तो सभी छात्राओं ने इसकी खूब तारीफ की, लेकिन आज हालात ये है कि योजना दम तोड़ने की कगार पर है। इसकी एक वजह यह है कि केवल मर्यादा के कारण स्कूलों स्तर पर इसको लेकर कभी दबाव नहीं बनता। इस संबंध में जब स्कूल के प्राचार्यों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जिला महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि शासन ने इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी और 1 सप्ताह पहले ही इसकी रिपोर्ट संचालनालय को भेजी गई है। सैनिटरी नेपकिन मशीन की व्यवस्था शासन स्तर पर होगी। वर्ष 2016-17 में अभी तक हमारे लगभग 80 स्कूलों में सैनिटरी नेपकिन का मशीन लगाया गया है और अभी फिर से डायरेक्टर से प्रस्ताव मंगाया गया है कि किन किन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में लगना है। तो लगभग हम लोग 98 से 100 मतलब स्कूलों का सर्वे करके और भेज रहे हैं जहाँ पर सैनिटरी नेपकिन लगाया जाना है। अब ये प्रस्ताव अभी मंगाया गया है, अब क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था तो चुनाव के जब हो गया है तो वो प्रस्ताव बना करके हम लोग भेज रहे हैं और ऐसा सर्वे पूरे छत्तीसगढ़ से मंगाए गए हैं तो हमारे जिले को भी उसमें शामिल किया गया है। उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली में ये ज़्यादा बेहतर स्कूल शिक्षा विभाग वाले बता पाएंगे क्योंकि उन्हीं के स्कूलों में लगा हुआ है, एक समिति भी उसमें बना है और जो उसका वेंडर मशीन का देख रेख करने के लिए और नया सैनिटरी नेपकिन मंगाने के लिए तो उनके यहाँ एक समिति भी स्कूली स्तर पर बना हुआ है बच्चों और उसके टीचर के इसमें गाइडेंस में। अब देखना होगा कि स्कूल व कॉलेज की छात्राओं को उन दिनों की परेशानियों से बचाने के लिए शुचिता योजना का कितना पालन किया जाता है और क्या बचे हुए स्कूल कॉलेजों में सैनिटरी नेपकिन मशीन लगाई जाती है। धमतरी से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।